माइक्रोबायोलॉजी का एक चैप्टर जो हम ख़त्म कर चुके थे, उसके बाद दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका आज इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। चैप्टर का नाम है एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग। इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम, जो माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर है। यहाँ पे मतलब इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो इसके बारे में पढ़ना, जैसे पिछले चैप्टर में ये बताए थे, पढ़ाए थे कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बैक्टीरिया को, और इस चैप्टर में ये जानना है कि आइडेंटिफाई करने के बाद हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं अब एंटीबायोटिक का, मतलब बैक्टीरिया से अगर हमको कोई डिजीज़ हुआ है तो उससे ठीक कैसे होगा, उसके लिए हमको एंटीबायोटिक लेना होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कौन सा एंटीबायोटिक लेंगे उसके बैक्टीरिया से पता चलता है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया इफेक्ट किया है, इन्फेक्शन काउज किया है, तो उसी के हिसाब से एंटीबायोटिक देना होता है। तो एंटीबायोटिक का जो खोज करते हैं, तलाश करते हैं, मतलब कौन सा एंटीबायोटिक हमको इस बीमारी में देना है, इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में देना है, वो इस एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग से किया जाता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में कि जब बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो बैक्टीरिया डिजीज़ काउज किया है, तो अब हमको ज़रूरत होता है एंटीबायोटिक का जो कि उस बैक्टीरिया के लिए इफ़ेक्टिव हो, अगेंस्ट में इफ़ेक्टिव हो, मतलब उस बैक्टीरिया को मार सके और वो डिज़ीज़ ठीक हो सके। तो उसके लिए हमको चाहिए होता है एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक कैसे पता करते हैं, तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग बोलिए या फिर एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग बोलिए, इसकी मदद से हमको एंटीबायोटिक मिल पाता है जिसकी मदद से वो बैक्टीरिया मरता है और डिज़ीज़ ठीक होता है। और ये एंटीबायोटिक को पता करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जिसकी मदद से वो ठीक होता है, तो मेथड्स देख लीजिए। एंटीबायोटिक जिससे हमको पता चलता है कि कौन सा एंटीबायोटिक देना है, उसके लिए कुछ मेथड्स है। पहला है इन विट्रो टेस्ट होता है, दूसरा है डिस्क सेंसिटिविटी टेस्ट है, और इसी डिस्क सेंसिटिविटी टेस्ट को हम अगर डिफ्यूज़न टेस्ट, किर्बी बायर टेस्ट, डिस्क डिफ्यूज़न एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, शॉर्ट में किर्बी बायर टेस्ट को शॉर्ट में केबी टेस्ट भी बोला जाता है। और दूसरा जो टेस्ट है वो है ब्रेक पॉइंट टेस्ट। नेक्स्ट जो है वो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, MIC शॉर्ट में बोलते हैं, मिनिमम बैक्टेरिसाइडल कंसंट्रेशन MBC, और डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल रेसिस्टेंट मैकेनिज्म, और एक हो जाता है आपका ऑटोमेटेड सेंसिटिविटी टेस्ट। और उसके बाद ये सारा मेथड्स हो गया, और ये जो लास्ट में पॉइंट है वो क्लिनिकल रेलिवेंस है ऑफ इन विट्रो एंटीबिलिटी टेस्ट का, कि कैसे इन विट्रो टेस्ट किया जाता है एंटीबायोटिक के लिए। तो ये सारा मेथड्स हो गया। उसके बाद इसी चैप्टर में आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ना है, सेलेक्टिविटी क्या होता है, थेरेप्यूटिक्स इंडेक्स क्या होता है, और एंटीबायोटिक का कैटेगरी कौन सा है। दो कैटेगरी का एंटीबायोटिक होता है, एक बैक्टेरिसाइडल और एक बैक्टेरियोस्टैटिक। तो इन टर्मिनोलॉजी को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और फिर वैसे ही एक एक करके एक एक वीडियो में हम एक एक टेस्ट के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग का। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।